आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह हिमाचल प्रदेश में अपने मोबाइल से ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल और स्टेट के लिए, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों जगह पर दे देंगे, जो भी आपको सुविधा आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बताते हैं किस तरह हिमाचल प्रदेश ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे आप पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना हो, और यहाँ पे सर्च में आपको सर्च करना है उमंग। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको उमंग एप्लीकेशन आपको सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। ये इनका कुछ सेंटर प्रेस को इस तरह आपको देखने को मिलेगा, और इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे सबसे पहले आपको इस पे रजिस्टर करना होगा। तो देखिए मेरा अभी फ़िलहाल तो लॉगिन है, तो आप रजिस्टर करके यहाँ पर लॉगिन हो जाइए। जब लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विस मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे ऑल सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और आपको ये वाला लोगो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको जहाँ भी इस तरह का लोगो मिले, ये हिमाचल प्रदेश का, तो इस लोगो पर आपको क्लिक करना होगा। ये इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह इसका सेंटर फेस मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल रहा है अप्लाई सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप क्या बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे सर्विस यहाँ पे दिए गए, तो आप देख लीजिएगा। और ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओबीसी सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओबीसी सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको फीस शो करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो चार्ज है वो 7 रुपये है, और बनने का जो पूरा टाइम है वो 14 दिन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नो आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के सेंटरफेस आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है पर्सनल डिटेल में। यहाँ पे आपका नाम वगैरह सारा चीज़ ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, जो भी आपके आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त इस पर दिए थे वो सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ फिलअप करना होगा, मोड ऑफ डिलीवरी। आप डिलीवरी कैसे लेना चाहते, ऑफलाइन लेना चाहते डाक के द्वारा, या ऑनलाइन आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो मैं ऑनलाइन डिलीवरी लेना चाहता हूँ वो। उसके बाद यहाँ पे परिवार नंबर है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे फ़ोटो पहले अपलोड कर लेते हैं तभी ये नेक्स्ट लेगा। तो देखिए मैंने फ़ोटो भी अपलोड कर चुका, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। अगर आपके परिवार में किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ पहले से, तो आप उनका यहाँ पर फैमिली आईडी से या नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। नहीं है बना तो यहाँ पे स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे। स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल देना होता है, जैसे रिलेशनशिप में यहाँ पे सन ऑफ या वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ जो भी है सेलेक्ट कर सकते। मैं सन ऑफ सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं फादर का नाम इंटर कर दूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। यहाँ फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम सभी अलग अलग बॉक्स में आपको देना होगा। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का सेंटर फेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अप्लीकेंट लैंड ऑनर रिलेशनशिप, जिस ज़मीन पे अप्लीकेंट रह रहा है वो किसका है, ठीक है, उनके आप क्या लगते हैं, ठीक है, जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं उनके आप क्या लगते हैं, डॉटर हैं, सन है, वाइफ है, जो भी वो सेलेक्ट करेंगे। मैं सन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कास्ट आपको सेलेक्ट करना हो, जो भी कास्ट से आप हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए।
मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बना नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तहसील, और यहाँ पे सर्किल, विलेज, उसके बाद एड्रेस यहाँ पे आपको देना होगा। जैसे आप एड्रेस देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे एड्रेस आपको एड्रेस डिटेल फिर से देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आप फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ देखिए, मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका परमानेंट और प्रजेंट एड्रेस जो है, रेसिडेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यस करेंगे। अगर दोनों अलग अलग तो नो सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आप उसको उस एड्रेस को फिलअप कर देंगे। तो मेरा दोनों सेम है तो हम यस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिलीजन पूछेगा आप किस धर्म के हैं, तो वो आप धर्म यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस कास्ट से, वो कास्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनरोलमेंट स्टेटस ऑफ फादर, क्या आपके फादर इनरोलमेंट है, कि अगर है तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नीचे में देख पा रहे हैं अनएम्प्लॉयर, इस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद मदर स्टेटस डॉक्यूमेंट, तो इसमें भी आप अनएम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूरा इनकम, जो साल की इनकम, वो साल की इनकम जो भी आपकी है वो सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपका अंतिम चरण, यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना। जैसे आप रेसिडेंट प्रूफ में आधार कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में भी आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट में आपको आय प्रमाण पत्र डाउनलोड, ओ सॉरी, अपलोड कर सकते हैं। रेसिडेंट सर्टिफिकेट में आपको, रेसिडेंट में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं जो JPG में होना चाहिए, और फोटो आइडेंटिटी में भी आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट में आप आय प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं। जब ये सारा चीज़ अपलोड कर लेंगे तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आप सबमिट कर दीजिए तो आपका ये सक्सेसफुली बन जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट भी करना होगा। मैं बनाने वाला नहीं था, मैं तो सिर्फ बता रहा था आपको। तो उसके बाद जब अप्लाई हो जाएगा, तब 14-15 दिन के बाद आपको यहाँ पर फिर से आना है। यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन भी क्लिक करना है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर आपको देना है, जो आप जो सबमिट किए थे, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिला, उस रिसिप्ट पे जो नंबर होगा वो नंबर इंटर करके यहाँ पे सर्च आपको कर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में सीख लिया आप हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगर आपको किसी और स्टेट के बारे में चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बना देंगे, दे देंगे नई वीडियो में, किस तरह अदर स्टेट का भी कर सकते हैं। तो मैंने हिमाचल का भी बता दिया आपको, हरियाणा का भी बता दिया, और सारी स्टेट का भी मैं बता दूंगा। आप कमेंट कीजिए किस स्टेट का आपको चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।